Hello everyone, you're most welcome on YouTube channel ISPCS SSC classes. आज हम मैथ में सर्किल के पार्ट 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. नमस्कार दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए. वृत्त की सीरीज इस समय चल रही है. तो PT एक वृत्त जिसका केंद्र O है. ये देखिए ओ केंद्र है. पीटी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है. त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है. ये देखिए पीटी क्या है, स्पर्श रेखा. यदि पीटी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, पीटी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो हमें ओपी निकालना है. ये ओपी निकालना है, ठीक है. अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रथम वीडियो में बता चुके हैं आपको कि यदि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, यदि मान लीजिए वृत्त पर हमने कोई स्पर्श रेखा कहीं से भी खींची, ऐसे चाहे ऐसे खींची, तो जो केंद्र से लंब डाला जाएगा उस पर, या त्रिज्या जिसको कहेंगे, वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है. ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. ये कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा. जो भी केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा. अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, OTP. अब आपको लंब दिया हुआ है यानी त्रिज्या, आधार दिया हुआ है, और आप एक चीज और जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण. तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कर्ण कौन सा है इसमें. कुछ लोग ये सोचेंगे कि TP है कर्ण, ये है कर्ण. तो 90 के सामने की जो भुजा होगी, ये जो 90 अंश है इसके सामने की जो भुजा होगी, ये वाली, ये कर्ण कहलाएगी, OP. तो हमको कर्ण निकालना है. तो ये होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर. तो ये रूट और ये आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. वेरी इजी. दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर स्पर्श करते हैं. स्पर्श करा दीजिए भाई. दो वृत्त एक दूसरे को अंदर की ओर स्पर्श कर रहे हैं. ये स्पर्श किए अंदर से. बाहर से कैसे स्पर्श करते हैं, इस तरह. अंदर से इस तरह, ठीक. अब छोटे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर. ये जो छोटा वृत्त है, ये वृत्त, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर. दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर. और बड़ा जो वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है, इसका जो केंद्र बिंदु होगा ये है. इसका बड़े वृत्त वाला केंद्र बिंदु ये है और छोटे वृत्त का केंद्र बिंदु ये है. इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर. अब आपको निकालना है बड़े वृत्त की त्रिज्या. तो बड़े वृत्त का केंद्र यहाँ था, तो यहाँ से लेकर के परिधि, ये परिधि, ये पूरी दूरी आपको निकालनी है. तो आप निकाल सकते हैं, 6 को 3 में ऐड कर दीजिए, आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है. बेहद आसान है. इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन. एक वृत्त में 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से समकोण बनाती है. जीवा की लंबाई कितनी है, जो केंद्र से होकर नहीं जाती उसे जीवा कहते हैं. तो ए भी 5√2 हो गया. इसके बाद केंद्र से समकोण बनाती है, ये केंद्र है. यहाँ से कितने अंश का कोण बना रही है, ये 90 अंश का, यानी समकोण. तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है. ये देखिए दोनों त्रिज्याएं हैं, ये तो आपस में बराबर ही होती हैं. त्रिज्या तो वृत्त की सभी बराबर होती हैं. तो ये आर है, ये आर है, और 90 अंश का कोण बन गया. 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण. तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी. ABCD चक्रीय समलंब है. ABCD क्या है, चक्रीय समलंब. समलंब उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए ये ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है. तो यहाँ से चाहे जहाँ से लंब डालें आमने सामने यहाँ तक, तो ये लंब बराबर होते हैं. उनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, ये कहलाता है समलंब, ठीक है. इसके बाद यदि देखते हैं कि ADBC पर लंब है. ABCD चक्रीय समलंब, चक्रीय कह रहा है तो इसका मतलब वृत्त के अंदर समलंब बना हुआ है, ठीक है, चक्र के अंदर. AD BC के समानांतर है, ये समानांतर का चिन्ह है.
ए डी बी सी के समानांतर है, समानांतर जैसे ही है। यदि कोण ए बी सी 70 सेंटीमीटर, ए बी सी ये आपका 70 डिग्री है, तो आपको बी सी डी निकालना है, ये कोण आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख रहे हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि देखिए दो समांतर भुजाएं हैं और बराबर उनके बीच की दूरी है, तो बराबर ही कोण बनेंगे, ये आपका 70 डिग्री है, उसी बेस पर बना हुआ है, तो ये भी आपका 70 डिग्री बनेगा, बिल्कुल आसान। तो ये आपका, तो आप देखिए इसमें ए जो बी बेस है, ठीक है, इस पे बी पे 70 डिग्री बन रहा है, दोनों रेखाओं के बीच का जो दूरी है वो सेम कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, दो ऐसे लंबवत हैं। यहाँ पर अगर जितना कोण बनेगा वही तो यहाँ पर भी कोण बनेगा ना, हम समझने वाली बात है कि बराबर जब लंबाई की दूरी है, या अगर आपको नहीं इस थ्योरम से हल करना है तो दूसरा इसकी प्रमेय होती है, और यानी वृत्त होता है, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये बराबर होता है परिधि पर, इसलिए जो यहाँ पर कोण बनेगा वही इधर भी, इस साइड भी कोण बनेगा, ठीक। अगर नहीं इसको हल करना है तो दोनों तरफ के जो, एक तरफ के जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 अंश, ठीक है, या आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं इसको, बेहद आसान है, तो वेरी इजी था ये। कोण ए और कोण बी का मान आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, ए धन सी बराबर 180। अब हमको सी का मान निकालना है, तो हमें अगर ए का मान पता चल जाए तो उसको माइनस कर देंगे, तो ए की वैल्यू कैसे पता चलेगी, एक सरल रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग क्या होता है चक्रीय समलंब में, ये प्रमेय होती है कि ये दोनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में 70 घटाएंगे तो ये आपका 110 आ जाएगा, फिर 110 प्लस सी बराबर 180, उस थ्योरम से आप हल कर सकते हैं। वरना सबसे आसान है कि दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच, ये देखिए ये जितने अंश का कोण होगा तो वही ये कोण होगा, और ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि समान बेस पर जो बने हुए कोण हैं उसी कोण पर झुके हुए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त बाहर की ओर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बाहर की ओर हम स्पर्श करा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, उनके जो केंद्र हैं, इस वृत्त का केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है 7, दूसरे वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, एक वृत्त की जो त्रिज्या है ये है 4, तो बाकी ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो पूरी 7 में से 4 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात होगी आपसे।